हेलो वेलकम बैक स्पेंस। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है हाउ टू क्रिएट लुक बैक इंटरफेस। हम लोग लुक बैक इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं विंडोज 7 में, विंडोज 8 में, विंडोज 10 में, हम लोग कैसे लुक बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लुक बैक इंटरफेस। अगर आपने नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर चैनल एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे तो आप लोग को मोर अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड आप लोग चाहेंगे तो फेसबुक में भी देख सकते हैं एंड गूगल प्लस में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लुक बैक इंटरफेस। फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे लुक बैक इंटरफेस है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये कहाँ पर यूज़ होती है। तो चलिए हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल मैं दिखाने जा रहा हूँ ये सेम टू सेम वर्क है। विंडोज 7 में भी आप कर सकते हैं, विंडोज 8 में भी कर सकते हैं एंड विंडोज 10 में भी कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है, प्रोसेस खुद चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग जानते हैं लुक बैक इंटरफेस है क्या। तो देखिए हाउ टू सेटअप लुक बैक एडॉप्टर ऑन विंडोज 7, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10 सेम प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ए लुक बैक एड्रेस इज ए टाइप ऑफ आईपी एड्रेस दैट इज यूज्ड टू टेस्ट the communication or transportation medium on a local network card and or for testing network application। ये लुकबैक इंटरफेस जो है ये एक लॉजिकल इंटरफेस है। फर्स्ट ये आप लोग को समझ लीजिए, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये एक्चुअली लॉजिकल इंटरफेस है। तो देखिए ए लुक बैक एड्रेस इज ए टाइप ऑफ आईपी एड्रेस दैट इज यूज्ड टू द टेस्टिंग कम्युनिकेशन। ये एक्चुअली टेस्टिंग कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है ऑन द नेटवर्क। डेटा पैकेट्स सेंट ऑन ए लुक बैक एड्रेस आर री राउटेड बैक टू द ओरिजिनेटिंग नोड without any alteration or modification। Loopback address is special IP है, एक loopback का एक special IP आती है, वो है 127.0.0.1 that is the design for the software loopback interface of a machine। The loopback interface has no hardware associated with it and it is not physically connected to a network। आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया कैसे लुक बैक इंटरफेस क्या होती है और इसका स्पेशल आईपी होती है एक 127.0.0.1। और आप लोग ध्यान में रख दीजिए लुक बैक इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, एक लॉजिकल इंटरफेस, एक लॉजिकल इंटरफेस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं विंडोज 10 में आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग चाहेंगे तो विंडोज 7 एंड विंडोज 10 भी 8 में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे या मैं आप लोग को मैं दो प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, एक है शॉर्ट प्रोसेस एक है लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस में कोई भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम वर्क है। तो चलिए मैं आप लोग को शॉर्ट में दिखा देता हूँ फर्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लॉन्ग प्रोसेस है लॉन्ग प्रोसेस में आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर मैं एक कॉमन टाइप करूँगा HDWWIZ। तो देखिए रन कमांड बोल के एक ऑप्शन आ गया, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए इसके बाद ये आती है
तो देखिए एक पॉपअप बॉक्स आ गया। तो देखिए वेलकम टू द एट हार्डवेयर विजर्ड। ये जो पॉपअप बॉक्स आ गया ये एक्चुअली एक कॉमन फॉर्म है, तो मैं आप लोग को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ वो कॉमन फॉर्म क्या है। मैं आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए CMD में जाके आप ये कमांड लिख दीजिएगा, तो आपको ये जो पॉपअप बॉक्स विंडो आ जाएगा। तो मैं आप लोग को एक बार मैं दिखाई देना चाहता हूँ। तो देखिए CMD मैं खोल लिया। CMD खोल के यहाँ पर HDWWIZ बोल के मैंने खोल दिया। तो देखिए एक पॉपअप बॉक्स फिर से आ गया एट हार्डवेयर विजर्ड। तो देखिए सेम टू सेम आ गया पॉपअप बॉक्स। तो देखिए वेलकम टू द एट हार्डवेयर विजर्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, CMD खोल के भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप किस तरह करना चाहते हैं। और एक प्रोसेस है मैं आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है जो हम लोग का जो PC है, PC का जो आइकन है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। देखिए हम लोग डिवाइस मैनेजर के अंदर जाते हैं। तो देखिए डिवाइस मैनेजर हम लोग को खोल गया। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर जो मेरा जो PC का जो नेम है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस एंड ऐड लीगेंसी हार्डवेयर, हम इन दोनों को के ऊपर एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम आप लोग ऐड लीगेंसी हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए वही सेम टू सेम पॉपअप बॉक्स आ गया। तो मैंने बोला है कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट जो करेंगे हम लोग CMD खोल के HDWWIZ बोल के एक कमांड करेंगे तो ये सेम टू सेम पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। नहीं तो आप वो करना नहीं चाहते हैं, वो शॉर्टकट प्रोसेस है। नहीं तो आप ये वाला प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करिए PC के ऊपर, PC का जो आइकन है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद डिवाइस मैनेजर में चल जाइए। आप कंट्रोल पैनल से भी आप लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो मेरा जो PC है PC के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए मैं एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएगा, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस और एट लीगेंसी हार्डवेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉपअप बॉक्स आ गया वेलकम टू द एट हार्डवेयर विजर्ड जस्ट फॉर। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, सर्च फॉर एंड इंस्टॉल द हार्डवेयर ऑटोमेटिकली, ये रिकमेंडेड। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है हम लोग का, इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सिलेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट एडवांस, हम लोग इसको मैनुअल करेंगे। तो जस्ट फॉर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा है इसके, यहाँ पर देखिए नेटवर्किंग का है, मीडिया का है, मेमोरी का है, POS का है, प्रिंटर्स वगैरह है, सिस्टम वगैरह है। यहाँ पर आप हम लोग को नेटवर्क एडोप्टर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को नेटवर्क एडोप्टर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए नेटवर्क एडोप्टर ये है। तो देखिए ये है नेटवर्क एडोप्टर, जस्ट फॉर इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ये आने में, ये आपकी PC के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो देखिए आ गया। यहाँ पर हम लोग को देखिए मैन्युफैक्चरर, देखिए इंटेल कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट, मिलिनॉक्स, बहुत सारा है। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ करेंगे, ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ढूंढना पड़ेगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडोप्टर, ये आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडोप्टर, जस्ट फॉर ये ढूंढना पड़ेगा। इसको ढूंढने इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से मुझे नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए हार्डवेयर टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडोप्टर टू स्टार्ट इंस्टॉलिंग योर न्यू हार्डवेयर,
क्लिक नेक्स्ट। आप ये इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं प्लीज़ इसको नेक्स्ट करिए। तो देखिए मैं इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ इसको, तो नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। तो देखिए एक फाइल कॉपी हो रही है। तो देखिए विंडोज हैज़ फिनिश्ड इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर फॉर दिस डिवाइस। तो देखिए द फॉलोइंग हार्डवेयर वॉज इंस्टॉल्ड। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया एंड फिनिश भी हो गया। तो देखिए हम लोग फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा। मैं आप लोग चाहेंगे तो कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल के जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में भी जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चेंज एडाप्टर सेटिंग्स में जाएंगे। तो देखिए चेंज एडाप्टर सेटिंग्स में जाएंगे तो देखिए मेरा एक माइक्रोसॉफ्ट KM लूपबैक एडाप्टर क्रिएट हो चुका है। ये एक्चुअली जो हम लोग का जो इथरनेट केबल है, इथरनेट जो पोर्ट है, सेम टू सेम ही वर्क करेगा। यहाँ पर आप लोग IP सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे ऑल्टरनेट DNS प्रिफरेंट DNS आप लोग सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर IP वर्जन 4 भी यूज़ करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो IP वर्जन 26 भी देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों ही वर्क करेगा। तो चलिए मैं आप लोग को मैं एक बार टेस्टिंग पर्पस मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रीनेम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। आप लोग चाहेंगे तो रीनेम भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा है। देखिए TCP IP भी है एंड TCP IP वर्जन 6 भी है। तो देखिए मैं फिलहाल TCP IP में सिलेक्ट किया। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्टेन एंड IP एड्रेस ऑटोमेटिकली ये कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक IP दे रहा हूँ। तो देखिए 192.168.10.1। तो चलिए मैं जस्ट फॉर इसको एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ये है मेरा IP। आप लोग चाहेंगे तो डिफॉल्ट गेटवे एंड प्रिफरेंट DNS एंड ऑल्टरनेट DNS भी दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद ओके कर लेते हैं एंड देन नाउ क्लोज कर देंगे। और जो मेरा जो इथरनेट केबल है, जो मेरा जो लैंड पोर्ट है, लैंड पोर्ट के ऊपर भी देखेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। तो देखिए मेरा TCP IP सेम टू सेम ही है, जो मैंने अभी जो लूपबैक एडाप्टर मैंने दिखाया है सेम टू सेम वर्क है। आप लोग यहाँ पर भी जो हम लोग सब देते हैं IP वगैरह, सबनेट, डिफॉल्ट गेटवे, प्रिफरेंट DNS, ऑल्टरनेट DNS, सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग लूपबैक एडाप्टर में भी दे सकते हैं। तो चलिए मैंने दे दिया। इसके बाद हम लोग इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए तो फर्स्ट मैं एक CMD खोलूँगा। मैं CMD खोल लिया। इसके बाद यहाँ पर IP कॉन्फ़िग लिखूँगा। तो देखिए मेरा ये रहा IP, मैंने जो अभी जो दिया है ये है IP। तो देखिए एंड इसका सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया तो नहीं आया। आप लोग देंगे तो डिफॉल्ट गेटवे, प्रिफरेंट DNS, ऑल्टरनेट DNS सब कुछ आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार पिंक करके देख लेते हैं मेरा जो टेस्टिंग वेरिफिकेशन है ये एक्चुअली से वर्क कर रहा है कि नहीं है। तो चलिए मैं एक बार पिंक करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए 192.168.10.1। तो देखिए मेरा पिंक वर्क कर रही है, मेरा सक्सेसफुल है, कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ है, कोई भी पैकेट लॉस्ट भी नहीं हुआ है। देखिए पैकेट सेंड, 4 पैकेट सेंड हुआ है एंड रिसीव भी सेंड हुआ है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो मेरा प्रोसेस जो लूपबैक इंटरफेस है मैंने जो अभी क्रिएट किया है वो वर्क कर रही है अच्छी तरह से। मैं आप लोग को और भी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग चाहेंगे तो ये लूपबैक इंटरफेस को हम लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए इसके लिए फिर से हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। इसके बाद आप लोग चाहेंगे तो शॉर्टकट प्रोसेस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडाप्टर 2। तो मैंने मेरा एक अलग सा एक लूपबैक एडाप्टर क्रिएट किया था। इसके बाद अभी जो हम लोग ने किया है माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडाप्टर 2, आप लोग ये
अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद तो देखिए वार्निंग, यू आर अबाउट अनइंस्टॉल दिस डिवाइस फ्रॉम योर सिस्टम। ये आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं आपके सिस्टम से, तो चलिए मैं इसको अनइंस्टॉलेशन कन्फर्म इसको अनइंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। तो आप लोग ये इसको ओके करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये अनइंस्टॉलेशन हो जाएगा। आई होप आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग कैसे देख लिया, कैसे लूप बैक एडोप्टर को इंस्टॉलेशन करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस है। आप लोग चाहेंगे तो ये विंडोज 7 में भी देख सकते हैं एंड विंडोज 8 में भी देख सकते हैं एंड विंडोज 10 में भी देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आप लोग को मैं हेल्प कर दूँगा। अगर आपने अभी तक नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मोस्ट सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। एंड आप लोग चाहेंगे तो फेसबुक में भी देख सकते हैं ये वीडियो एंड गूगल प्लस में भी देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे लूपबैक इंटरफेस काम करती है, लूपबैक इंटरफेस का क्या है, इसका क्यों यूज़ करते हैं एंड इसका डेफिनेशन क्या है। सो आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। So thanks for watching.